जिला पंचायत सदस्य संजय दिनकर दुबे ने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की जनता को कोई कठिनाई ना हो, शासन द्वारा हितग्राही मूलक जनहित के कार्यों का लाभ सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिले, ऐसे प्रयास करूंगा। संजय दुबे ने कहा कि हम सब जनता के सेवक, जनता का सम्मान करें, जनमानस की सेवा करने की नीति का निर्माण करें। जनसेवा कार्यालय का शुभारंभ करते हुए पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मेघ सिंह गुर्जर और संजय दुबे, राजेश दांत्रे सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि दुबे परिवार सदैव गरीबों की मदद करता रहा है। फिर चाहे गरीब बेटियों की शादियां हो या मंदिर निर्माण का कार्य, सभी सहयोग करते हैं। क्षेत्र की जनता ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत कर ये बता दिया है कि आने वाले समय में संजय दुबे सेवड़ा की जनता की आवाज़ होंगी। आज युवा, किसान, मजदूर और सभी क्षेत्र के वर्ग इनके साथ है। जनसेवा कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्र के हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित थी। मंच से 92 सरपंच, 25 जनपद सदस्य और दो जिला पंचायत सदस्य, 15 नगर परिषद के पार्षदों का सम्मान किया गया। साथ ही क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक पत्रकारों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान नेहा देहलिया की भजन संध्या ने लोगों को अपने गायन से मोहित कर दिया। क्या है जो आपने आज कार्यालय खोला है? कार्यालय का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जैसे हमारे क्षेत्र में जनता जो है, कई बार क्या होता है, अधिकारी सुनते नहीं है। अधिकारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि अधिकारी को क्या चाहिए आज के ज़माने में? रिश्वत। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी जनता की अधिकारी नहीं सुन रहा है, उस जनता की आवाज़ को हम अपनी आवाज़ बना के पहुँचाएंगे तो जनता सुनेगा, क्योंकि हमें जनता ने चुन के जिला पंचायत सदस्य बनाया है। इसीलिए बनाया है कि हम जनता की आवाज़ को राजनेताओं तक और अधिकारियों तक पहुँचाए, ताकि उनको जनता की सेवा करनी पड़े मजबूरन, भले ही वो चाहते हो और ना चाहते हो। सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कार्यालय का। और ये ऐसा नहीं है कि साहब हमें दुकान बनाना हो, ये निःशुल्क सेवा रहेगी, किसी से 1 रुपए की कभी मांग नहीं होगी इसमें। बस इतना इतना सेवा भाव है हमारा।